दोस्तों हम पिछले काफी समय से जियो के लैपटॉप के बारे में सुन रहे हैं। पिछले 3 साल से लगभग हम जियो का लैपटॉप हमें देखने मिलेगा, बट हमें जियो की तरफ से कोई लैपटॉप देखने नहीं मिला। बट अब कुछ ऐसा लीक्स और रूमर्स सामने आया XDA डेवलपर के तरफ से, जो हमें कन्फर्म हो गया जियो की तरफ से हमें लैपटॉप देखने मिलेगा, वो भी जल्दी। चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं जियो का इस लैपटॉप में आपको क्या चीज़ देखने मिलेगा और ये कितना सस्ता लैपटॉप होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग में से बहुत जन वीडियो देख तो लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। खैर वो आपकी मर्जी। वेल, अगर बोल सकते हैं तो ये जियो का जो लैपटॉप है ये अभी इंजीनियरिंग वैलिडेशन में है, मतलब कि आप बोल सकते हैं प्रोटोटाइप प्रोडक्ट है। फिलहाल तो ये अभी ऑन टेस्टिंग में है। और अगर आपको विंडोज का लोगो देख के लग रहा है कि इसमें आपको देखने मिलेगा विंडोज, तो ये एक एंड्रॉइड लैपटॉप होने वाला है, क्योंकि इसका जो स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं जितने भी आइकन डाला हुआ है वो एंड्रॉइड का डाला हुआ है। अगर बात करते हैं तो इस लैपटॉप का फीचर के बारे में, इसमें आपको क्या क्या देखने मिलेगा। इस लैपटॉप में आपको देखने मिलेगा 2GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी और 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी। जो रैम है वो है आपका LPDDR4X रैम देखने मिलेगा, और स्टोरेज टाइप जो है EMC 5.1। प्रोसेसर जो होने वाला इस लैपटॉप में वो होने वाला है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 665। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, स्नैपड्रैगन 665 देखने मिलेगा। वेल, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करें तो इसमें आपको देखने मिलेगा जियो का OS। इसमें आपको गूगल का कोई भी सर्विसेज देखने नहीं मिलेगा, आपको जियो के तरफ से आने वाला OS देखने मिलेगा। इसका यूजर एक्सपीरियंस कैसा होने वाला वो आपको हम बता देते हैं, बट ये एंड्रॉइड के ऊपर बेस्ड रहेगा। एंड्रॉइड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम टोटली फ्री है, बट अगर एंड्रॉइड के ऊपर अगर गूगल का सर्विसेज यूज करना चाहते हो तो कंपनीज को उसका रॉयल्टी पे करना पड़ता है गूगल सर्विस के लिए, जिसमें आपका शामिल है जीमेल, गूगल फोटोज, कोई भी गूगल का सर्विसेज अगर यूज करना है तो उसके लिए गूगल को रॉयल्टी पे करना पड़ता है। बट जो जियो है, गूगल को कोई भी रॉयल्टी पे करना नहीं जाता है। और ये जो लैपटॉप आपको देखने मिलेगा, जो OS देखने मिलेगा, जिस तरीके का आपको Huawei का जो OS मिलता है Hongmeng OS, जिसमें आप कोई भी गूगल का ऐप यूज नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि Huawei के ऊपर बैन है इसीलिए आप साइट लोड भी नहीं कर सकते कोई भी ऐप्स। बट जो जियो का जो लैपटॉप आने वाला है वो सेम तरीके से रहेगा Hongmeng OS की तरह, बट आप उसमें जियो स्टोर यूज कर सकते हैं, शायद से आप गूगल का ऐप भी साइट लोड कर सकते हैं, जैसा जीमेल हो गया, गूगल फोटोज हो गया, ये सब साइट लोड कर सकते हैं। सिंपली आप इस लैपटॉप को बोल सकते हैं एक मिनी टैबलेट, जिसमें आप जियो का स्टोर यूज कर सकते हैं, जियो का मीटिंग यूज कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट का कुछ एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह हो गया, ये सब ऐप यूज कर सकते हैं। फिलहाल तो ये लैपटॉप जितना देख के लग रहा है ये टच स्क्रीन नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी EV प्रोटोटाइप में है। बाद में ये टच स्क्रीन के साथ आ सकता है, बट फिलहाल जो प्रोटोटाइप है वो अभी कीपैड के साथ ही यूज हो रहा है। जो लैपटॉप अभी लीक पे आया है, इसका जो स्क्रीन होने रेजोल्यूशन होने वाला है वो HD से थोड़ा ऊपर होने वाला है। अब देखते हैं इसका प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू कितना होता है। अगर जियो की तरफ से हमें देखने मिल रहा है तो हमें कम कीमत में एक अच्छा लैपटॉप देखने मिलेगा जियो के तरफ से। अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आता है इस लैपटॉप के बारे में जियो के तरफ से, आपको इस चैनल में अपडेट मिल जाएगा। बस आज का वीडियो इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर, सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।